जो मुख्य किरदार हैं उनकी, पहले शालिनी और उसके बाद फातिमा फिल्म में। इस फिल्म में जितने टर्निंग पॉइंट और क्लाइमेक्स है उतने ही इस कार्यक्रम में भी आपको देखने को मिलेंगे। मेरी कई सहयोगी सुमेरा मेरे साथ रहेंगी, मेरे साथ में निधि रहेंगी, मेरे साथ में सुरभि रहेंगी, प्रीति और साथ में प्रतिमा, सब लोग हम लोगों के सवालों के इनसे जवाब लेते रहेंगे। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए सीधे तौर पर तो नहीं है लेकिन परोक्ष तौर पर है, उन किरदारों को भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आधा आज एक लाइन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो हर कोई कह रहा है ये प्रोपोगेंडा है। बहुत दुख की बात है, जब मैं ये फिल्म कर रही थी एंड जब मैंने साइन किया और मैं विक्टिम से मिली एंड आई थॉट हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे एंड आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। और फिल्म के एक दिन पहले कोर्ट केसेस है ताकि लोग देखें नहीं, आई फाइंड दैट सो, जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच थॉट है, एक क्रिएटिविटी से हम लोग रख रहे हैं, नाउ जहाँ पे हम लोग इंटरव्यूज जा रहे हैं तो वी नो कि ओ माय गॉड यू नो फिल्म केस पे है, इट्स इन द कोर्ट। सो आई फील रियली सैड एंड इतने सारे वी बींग द वॉइस ऑफ इतने सारे लोग, आई जस्ट होप कि हम लोग रिलीज कर पाए एंड पीपल गेट टू वॉच इट, क्योंकि जिन्होंने देखी है उनसे जो रेस्पॉन्स मिला है आई थिंक एक लाइन में इस फिल्म का संदेश क्या है विपुल जी? संदेश ये है कि हमारे देश की जो ये बच्चियां हैं जिनके साथ ये बहुत ही खतरनाक ट्रैप में उन्हें फंसाया जाता है, उस ट्रैप में हमारी देश की बच्चियां आगे ना फंसें कभी भी। एक ऐसी अवेयरनेस पैदा हो इस फिल्म से और उस अवेयरनेस के बाद इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो और शायद कोई कायदा भी बने जिससे जो हमारी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं वो बच जाए। अगर हम कुछ लोगों की ज़िंदगी भी बचा पाए तो मुझे लगता है कि इस फिल्म ने बहुत बड़ा काम किया ऐसा हमें लगेगा। सिदीप तो लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर केरल ही क्यों आपने चुना? लव जिहाद के केस तो झारखंड में भी आते हैं, यूपी में भी देखने को सुनने को मिले, बिहार में भी इस तरीके के केसेस थे, इलेक्शन से ठीक पहले केरल की स्टोरी का आना और फिर इस तरीके से विवाद उठना, कोई कनेक्शन है क्या? सर मैंने ये फिल्म का काम शुरू किया था 7 साल पहले और तीन चार साल पहले मैं विपुल जी से मिले। अगर पहले पता चलता कि इलेक्शन अभी होगा तो शायद 7 साल पहले प्लान कर लेते कि इलेक्शन से पहले नहीं निकालेंगे। तो पता हमारी देश में ना हर महीना एक इलेक्शन होता है तो हम फिल्म निकालना ही बंद कर दे, ऐसे कोई मतलब कोई सही सोचने वाले राइट थिंकिंग पीपल कैन दे से एनीथिंग लाइक दैट शॉट, तो उनकी सेंसिबिलिटी के ऊपर मेरे सवाल उठता है। एक फिल्म मेकर इतने पैसे खर्चा करके एक फिल्म बनाएंगे सिर्फ एक इलेक्शन के दिमाग में रखते हुए, तो कर्नाटक का अगर इलेक्शन होगा उसके बाद राजस्थान का इलेक्शन आएगा उसके बाद छत्तीसगढ़ का आएगा, तो हम फिल्म रिलीज ना करें? लेकिन ये कोई सवाल हुआ आपकी दूसरी क्वेश्चन की जवाब ये है क्यों केरला नहीं। अगर हमने मैंने जैसे शुरू किया था बात करना कि उस छोटी बच्ची की जो कहानी मैंने बताया, उसके बाद मैंने श्रुति से मिले, चित्रा से मिले, इन लोगों को आप सब जानते हैं सारे टेलीविजन चैनल में वो लोग बैठे हुए हैं, इतना खतरनाक खेल वहाँ पे चल रहा है। अगर वो कन्वर्जन होता, सिंपल कन्वर्जन होता तो शायद आप मुझे सवाल कर सकते थे, लेकिन जो अफगानिस्तान की जेल में जो लड़कियाँ बैठी हुई है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट शालिनी जो बैठी अभी इसी वक्त अफगानिस्तान जेल में है, उस जेल में केरला की और 4 लड़की है, आपने देखा है उनकी वीडियो अभी सब जगह पे चल रहा है, ये दर्दनाक ये खतरनाक कहानी तो बोलना चाहिए ना, तो वो केरला हो उत्तर प्रदेश हो जहां पे भी हो हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन इनकी कहानी बोलने के लिए। धर्म परिवर्तन के ज्यादा मामले जो देखने को मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, आदिवासी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, आप उस तरफ क्यों नहीं? धर्म पर एक्चुअली कह रहे हैं हमारे देश में जो कानून है ना वो थोड़ा सा ब्लर है इस मामले में, यहाँ पे धर्म परिवर्तन शायद गैर कानूनी नहीं है। केरला में आप लोग सुन के ताज्जुब हो जाएंगे, केरला इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जिनमें ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर है 2, तो कन्वर्शन होना उसमें एज अ फिल्म मेकर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, फिल्म मेकर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन केरल में जो देखा वो कन्वर्शन से बहुत आगे चल चुके हैं, वो एक रिक्रूटमेंट सेंटर बन चुके हैं अलग अलग आतंकवादी देश विरोधी कामों की।
तो वो हमारी फिल्म की विषय है। हमारी फिल्म की विषय सिर्फ कन्वर्शन नहीं है,